आईपीएल 2024 का कारवां राजस्थान के पिंक सिटी यानी कि जयपुर पहुंच चुका है। दिल्ली वर्सेस राजस्थान के बीच मुकाबला खेला जा रहा है और पहले बल्लेबाजी कर रही है राजस्थान की टीम। अपने होम ग्राउंड पर बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान की शुरुआत बहुत खराब रही। यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर और कप्तान संजू सैमसन बहुत सस्ते में आउट होकर पवेलियन लौटे, लेकिन नंबर 5 पर कौन बल्लेबाजी करने आया ये आपको चौंका देने वाला है। नंबर 5 पर राजस्थान की ओर से बल्लेबाजी करने के लिए उतरे रविचंद्रन अश्विन ने टीम को मोमेंटम दे दिया है और अश्विन ने वर्ल्ड क्लास गेंदबाजों की कुटाई की है। कुलदीप यादव को एक छक्का मारा और उसके बाद विश्व के सबसे तेज गेंदबाज माने जाने वाले एनरिक नॉर्खिया को एक ही ओवर में 2 छक्के मारे, जिसके बाद अब मोमेंटम राजस्थान की ओर शिफ्ट हो चुका है। अश्विन ने इस दौरान 19 गेंदें खेली जहां उन्होंने 29 रन बनाए और इसमें 3 गगनचुंबी छक्के शामिल हैं। हालांकि इससे पहले भी अश्विन कई बार ऊपर बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं और उन्होंने 50 भी जड़ी है, लेकिन यहां पर टीम प्रेशर में थी और टीम को प्रेशर से निकाल दिया है। रियान पराग और अश्विन के बीच 50 से ज्यादा रनों की साझेदारी भी हुई, जिसकी बदौलत अब राजस्थान 15 ओवर में 100 का आंकड़ा पार कर चुकी है और आने वाले 5 ओवर में अगर 60-70 बनाते हैं तो इस सवाई मानसिंह स्टेडियम में 170 चेज करना आसान नहीं होगा। रियान पराग पिछले मैच में भी अच्छी बल्लेबाजी की थी उन्होंने और इस मैच में भी अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। आपका क्या मानना है अश्विन के इस प्रमोशन को लेकर हमें कॉमेंट करके बताइए। तब तक के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।